क्वेश्चन नंबर 8। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर का प्रत्येक कोण यदि शीर्ष कोण का दुना हो तो शीर्ष कोण कितने अंशों का होगा? तो देखिए, ये एक मान लेते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज आधार पर का, यानी आधार देखिए ये कोण और ये कोण क्या हो गया, आधार। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, दो भुजा बराबर, यानी ए बी बराबर है एसी के, तो आधार पर का ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि शीर्ष कोण का दुना हो, यानी मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है, तो इसको ये दुना है, यानी शीर्ष कोण ये हुआ तो इसका दुगना है, तो ये 2x होगा, तो ये भी 2x होगा, ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है और बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है। तो देखिए शीर्ष कोण का जो आधार पे कोण है वो दुना है, यानी दुगना है, तो इसको मान लेते हैं कि एक्स डिग्री मानेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x डिग्री दोनों। तो देखिए अब हम तीनों को जोड़ करके 180 लिखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम तीनों को जोड़ करके 180 लिखेंगे, उसके बाद हम शीर्ष कोण निकाल देंगे, एक्स एक्स देखिए सिर्फ शीर्ष कोण हमसे पूछ रहा है, यानी एक्स बराबर निकालना है हमको। तो देखिए हम लिखेंगे, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण एक्स डिग्री है, ठीक है, तो आधार पर का कोण कितना हो जाएगा, देखिए 2x डिग्री, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि आधार पर का प्रत्येक कोण यदि शीर्ष कोण का दुना हो, तो शीर्ष कोण को हम एक्स मानेंगे, तो आधार पर का कोण हो जाएगा 2x डिग्री। तो अब देखिए हम लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, देखिए एक्स डिग्री प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री क्यों हो जाएगा, तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का, ठीक है, ये लिख देंगे इसको करने के बाद। तो अब देखिए 2 2 4 1 5x हो जाएगा, ये सब x में है, तो 2 2 4 1 5x बराबर 180 डिग्री, ठीक है, अतः x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 180/5, यानी x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 या 15, 3 इधर गया, 30 5 6 30, यानी 36 डिग्री। तो देखिए शीर्ष पर का कोण, अतः हम लिखेंगे, अतः शीर्ष कोण बराबर 36 डिग्री। तो देखिए हमसे शीर्ष कोण निकालने के लिए कह रहा था, तो वो निकल चुका है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर होता है, इसलिए 2x 2x दोनों हो जाएगा, दुगना है शीर्ष कोण से, तो बस 180 तीनों जोड़ करके होता है, तो 5x बराबर 180, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 36, तो शीर्ष कोण हो गया 36 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संलग्न चित्र में ए बी बराबर ए सी और बी डी बराबर सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, ठीक है, देखिए यहां पे दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह का चित्र बना हुआ है, जिसमें है देखिए ए बी त्रिभुज, एक ए बी सी है और एक देखिए त्रिभुज डी बी सी, ठीक है, दो त्रिभुज है इसमें, तो कह रहा है ए बी यानी ए वाला भुजा इसके बराबर है, ठीक है, और देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोण ए बी डी, यानी ए वाला कोण जो है कोण ए सी डी के बराबर है, ठीक है, तो ये कोण देखिए ये कोण इसके बराबर है, हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे, तो देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी ए भुजा ए सी के बराबर है, और त्रिभुज बी डी सी में देखिए बी डी सी ये छोटा वाला त्रिभुज में बी डी बराबर, यानी ये भुजा जो है बी डी वो सी डी के बराबर है, देखिए सी डी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है,
देखिए BD किसके बराबर है, CD के बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर AC, देखिए AB बराबर AC दिया हुआ है, तो कोण ABC यानी ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में AB बराबर AC, ये देखिए दोनों भुजा बराबर है, तो कोण ABC ये वाला कोण देखिए ABC यानी ये वाला कोण पूरा, ठीक है, किसके बराबर होगा, तो ACB यानी ये वाला पूरा कोण, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसके सामने हम लिख देंगे और इसको हम पहला मानेंगे, ठीक है, इसको हम पहला मान लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए अब लिखेंगे चूंकि क्या दिया हुआ है, BD बराबर CD, यहां पर लिखेंगे BD बराबर CD, तो क्या होगा, अतः कोण देखिए, तो कोण DBC ये वाला कोण देखिए छोटा वाला कोण, जब ये DB DC के बराबर है तो कोण DBC यानी ये वाला कोण देखिए लिखेंगे यहां पे कोण DBC बराबर कोण ये DCB, ठीक है, यानी इसमें भी बराबर भुजा है, देखिए तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होगा, नहीं ये वाला कोण ये कोण के बराबर होगा, तो लिखेंगे कोण DCB, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, तो देखिए हम लिख देंगे यहां पे बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, तो इसको हम दूसरा मान लेंगे, ठीक है, देखिए इसको पहला और इसको दूसरा। अब हम यहां पे लिखेंगे दूसरा को पहला से घटाने पर, ठीक है, देखिए अब हम दूसरा को पहला से घटाएंगे, तो पहला कौन है, यह है, तो दूसरा को घटाएंगे यानी पहला का जो बायां पक्ष है वो बायां पक्ष से घटेगा और जो पहला का दायां पक्ष है वो उसमें दूसरा का दायां पक्ष घटेगा। तो देखिए पहले हम लिखेंगे कोण ABC, कोण ABC माइनस, देखिए कोण ABC माइनस करेंगे कोण DBC, दोनों देखिए बायां पक्ष है बायां तरफ है, तो कोण DBC, बराबर देखिए बीच में बराबर है, तो बराबर करेंगे आप कोण ACB लिखेंगे, कोण ACB से घटाएंगे किसको, कोण DCB को, कोण DCB, तो देखिए क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा देखिए कोण ABC में किसको घटाना है, ये देखिए D लिखा हुआ है, ठीक है, DBC बराबर कोण ACB माइनस DCB, पहले देखिए कोण ABC में से DBC घटेगा तो क्या आएगा, तो देखिए कोण ABC यानी ये पूरा बड़ा वाला कोण, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला कोण देखिए ABC हुआ, उसमें से घटा रहे हैं हम ये वाला कोण को DBC, देखिए ये छोटा वाला कोण, तो क्या बचेगा, कोण ABD बचेगा, देखिए ये छोटा वाला कोण यानी बड़ा में से ये कोण घटेगा तो ये वाला कोण आएगा यानी कोण ABD, तो हम यहां पे लिखेंगे कोण ABD बराबर, अब देखिए कोण ACB, तो ACB में फिर आ गया ये देखिए बड़ा वाला कोण पूरा ACB में से घटाना है किसको, DCB यानी ये वाला कोण को घटाना है, ये वाला छोटा वाला कोण को, तो कौन आएगा, आएगा देखिए DC, ये आएगा ACD, देखिए ये वाला कोण आएगा, ठीक है, बड़ा में से ये वाला कोण को घटाएंगे तो ये कोण आएगा, ठीक है, ACD, तो हम लिखेंगे बराबर कोण ACD, तो देखिए यही है सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि कोण ABD बराबर कोण ACD, ठीक है, तो हम इस तरह से देखिए इसको सिद्ध करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है, तो उसी का इस्तेमाल करके देखिए बड़ा कोण से ये कोण घटा देना है तो ये आ जाएगा, उसी तरह बड़ा कोण से ये कोण घटा देना है तो ये देखिए आ जाएगा, यानी ये दोनों कोण भी बराबर होगा क्योंकि ये कोण इसके बराबर है, बड़ा वाला कोण के बराबर है, तो ये दोनों कोण घटेगा तो ये दोनों कोण भी बराबर ही होगा, तो इसी गुण से त्रिभुज का जो गुण है ये बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है, तो इसी गुण का उपयोग करके हम देखिए इसको सिद्ध कर देंगे, कोण ABD बराबर जो पूछ रहा है कोण ACD, तो हम यहां पे लिखेंगे सिद्ध हुआ, ठीक है, तो इस तरह से हम
इसको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए संलग्न चित्र में ए बी बराबर ए सी, तो देखिए इसमें ए बी बराबर ए सी और बी डी बराबर सी डी है, सिद्ध कीजिए कोण ए बी डी। तो ये देखिए बड़ा वाला कोण बराबर होगा कोण ए सी डी के, तो ये बड़ा वाला कोण बराबर होगा दोनों। तो देखिए इसमें अभी हम घटाए थे तो इसमें बस जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, इस त्रिभुज में भी दोनों भुजा बराबर है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके, तो दोनों को जोड़ देंगे, संगत पक्षों को यानी बायां तरफ वाला को जोड़ेंगे बराबर करके दायां तरफ वाला को, तो देखिए जो पूछ रहा है वो आ जाएगा। तो बस इसमें हम जोड़ करके निकालेंगे जैसे इसमें घटा करके निकाले थे। तो देखिए हम लिखेंगे, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, और त्रिभुज बी डी सी में बी डी बराबर सी डी है, ठीक है, ये दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज का दो दो भुजा बराबर है, ठीक है। तो देखिए दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, तो हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होगा, यानी यानी ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके, और इस त्रिभुज में ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये वाला कोण के, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बी, चूंकि ए बी बराबर ए सी देखिए दिया हुआ है, ठीक है, तो कोण ए बी सी, देखिए कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, ठीक है, देखिए कोण ए बी सी यानी ये वाला कोण ए सी बी के बराबर होगा यानी ये वाला कोण, ठीक है। तो क्यों होगा, तो हम लिखेंगे बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो देखिए इसको हम पहला मान लेंगे, ठीक है, इसको पहला मान लेंगे। अब लिखेंगे, देखिए अब क्या दिया हुआ है, बी डी बराबर सी डी, तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि बी डी बराबर सी डी तो क्या हो जाएगा, देखिए अतः कोण इसमें हो जाएगा, देखिए डी बी सी यानी डी बी सी ये वाला कोण, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे कोण डी बी सी बराबर कोण डी सी बी, तो देखिए डी सी बी यानी ये वाला कोण डी सी बी, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे, फिर इसके सामने हम लिखेंगे चूंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, तो देखिए जब बी डी और सी डी बराबर है तो ये कोण भी इसके सामने वाला कोण भी बराबर ही होगा, तो इसको हम दूसरा मान लेंगे। अब हम लिखेंगे पहला को दूसरा से जोड़ने पर, तो देखिए पहला को दूसरा से जोड़ने पर यानी पहला को अब दूसरा से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए बायां तरफ वाला बायां तरफ से जुटेगा और दायां तरफ वाला दायां तरफ से, तो देखिए कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी बराबर होगा, बीच में देखिए बराबर है, कोण ए सी बी जोड़ कोण डी सी बी, ठीक है। तो देखिए अतः कितना आ जाएगा, कोण ए बी सी और कोण डी बी सी, देखिए कोण ए बी सी ये वाला कोण और डी बी सी ये वाला कोण, तो दोनों मिलके कौन सा कोण आएगा जो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, कोण ए बी डी, तो देखिए ए बी डी यानी बड़ा वाला कोण, ए बी डी यानी दोनों कोण मिलके, देखिए ये वाला कोण आएगा ए बी डी, तो हम लिखेंगे यहां पे कोण ए बी डी बराबर किसके होगा, तो देखिए अब है यहां पे कोण ए सी बी प्लस कोण डी सी बी, तो ए सी बी प्लस कोण डी सी बी, देखिए ए सी बी यानी ये वाला कोण, देखिए ए सी बी और डी सी बी ये वाला कोण, तो दोनों कोण मिलके क्या हो जाएगा, ए सी डी यानी ये वाला कोण, देखिए ए सी डी यानी ये दोनों मिलके ये पूरा बड़ा वाला कोण, तो हम लिखेंगे कोण ए सी डी, तो देखिए यही हम सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर देंगे जो पूछ रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम इसको भी
सिद्ध कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के शेष कोणों को ज्ञात कीजिए जबकि एक कोण 100 डिग्री का है। तो देखिए मान लेते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो देखिए एक कोण 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये वाला देखिए कोण 100 डिग्री दिया हुआ है। तो ये दोनों कोण हमसे पूछ रहा है, तो मान लेते हैं ये कोण x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कोण बराबर होता है। तो ये x डिग्री और ये भी x डिग्री हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो उसका हम इस्तेमाल करके यहाँ पे दोनों कोण हम निकाल लेंगे, एक कोण भी निकाल लेंगे तो दोनों कोण बराबर होता है, तो दोनों निकल जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, तो हम लिखेंगे अतः यहाँ पे ए बी बराबर ए सी होगा। तो देखिए ए बी बराबर जब ए सी होगा तो कोण ए बी सी यानी, तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, ठीक है। देखिए जब भुजा बराबर होगा तो सामने का कोण भी बराबर होगा, तो हम लिखेंगे चूंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, तो देखिए हम लिखेंगे माना कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। देखिए दोनों कोण को हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे माफ कीजिए, यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है। देखिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर हम एक्स डिग्री मान लेंगे, माना कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी एक्स डिग्री। अब देखिए हो जाएगा अतः 100 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री। देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, तो देखिए अब इसको हम हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस, देखिए एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x डिग्री बराबर 180। अब हो जाएगा 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ठीक है। देखिए बायां से ये दायां आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 100, तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 100 गया तो 80, और देखिए यहाँ पे गुना में है तो भागम हो जाएगा, यानी 2 x डिग्री बराबर 80 डिग्री बटा 2, 2 से ये कट जाएगा, कितना आया 40 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शेष कोण बराबर 40 डिग्री कॉमा 40 डिग्री। तो देखिए शेष कोण पूछ रहा था, एक कोण यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए 100 दिया हुआ था हमसे, और जो दो शेष कोण है वो हमसे पूछ रहा था। तो हम इस तरह देखिए इसको हम निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से हल करेंगे। तो 40 डिग्री और 40 डिग्री आएगा, 40 40 80 और 100 पहले से तो था, तो तीनों मिलके 180 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थान को भरिए, किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, समान यानी बराबर होगा, समान होगा, ठीक है। जब उसका भुजा समान है तो सम्मुख कोण भी क्या होगा, समान। दूसरा देखिए, किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, जब कोण बराबर होगा तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, इसलिए तीनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो पहला में समान भरेंगे, दूसरा में बराबर, तीसरा में बराबर। तो इस तरह से हम सिर्फ इसका आंसर लिख देंगे, पहला में समान, दूसरा में बराबर, तीसरा में बराबर। क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि समान भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है यानी बराबर होता है, ठीक है। किसी त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होगा, जब कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी, और जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर ही होगा। तो समान या बराबर एक ही चीज है।
अब देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण, तो तीनों कोण क्या होता है बराबर, क्योंकि उसका भुजा भी बराबर होता है तो कोण भी बराबर ही होगा। तो इस तरह से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक हल कर लेंगे।